मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज फिक्की सहित विभिन्न संगठनों के पहल पर पांचवा इंडिया मेज समिट 18 किस मौके पर भारत सरकार के हमारे अधिकारी डॉक्टर अशोक दलवाई साहब इस मौके पर एपीसी बिहार श्री सुनील कुमार सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित मिस्टर कोट सल्ट सीनियर डायरेक्टर ग्लोबल स्ट्रेटेज यूएसजीसी इस मौके पर मिस्टर संजय कौल एमडी एंड सीईओ नेशनल कलेक्टरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड मिस्टर अशोक वर्मा जी सहित आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों भाई और बहनों प्रेस मीडिया के मित्रों साथियों मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज एक ऐसे विषय पर हम मेज समिट 18 का पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरा सबसे अधिक उत्पादित किया जाने वाला फसल है जिसे फसलों की रानी भी कहते हैं। मक्का फसल मुख्य रूप से वर्षा आश्रित खरीफ फसल के रूप में उपजाया जाता है। भारत में 3/4 से ज़्यादा मक्का का उत्पादन खरीफ मौसम होता है और केवल 1/4 रबी और गर्मा मौसम में उपजाई जाती है। बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रबी फसल के रूप में मक्का की बुआई सितंबर से दिसंबर माह में की जाती है। इस फसल का उत्पाद मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बाज़ार में आता है। बिहार के तीनों मौसम में खरीफ रबी तथा गर्मा में मक्का फसल किसानों द्वारा उपजाया जाता है। राज्य में लगभग 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्र में मक्का फसल आच्छादित की जाती है और उत्पादन लगभग 35 लाख मेट्रिक टन से अधिक है। बिहार का रबी मक्का पूरे देश के रबी मौसम में उत्पादित होने वाला मक्का का 35% योगदान देता है, इसलिए मक्का को बिहार का कृष्णमाई फसल कहते हैं। मक्का के पौधों का प्रत्येक भाग यथा दाना पत्ता तना मोछा भुट्टा सभी का आर्थिक मूल्य है जो कि विभिन्न प्रकार के खाद एवं गैर खाद उत्पादों में जिनका उपयोग किया जाता है। इस फसल का उपयोग मनुष्य के भोजन के साथ साथ पशु आहार तथा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के कच्चे पदार्थ रूप में किया जाता है। भारत में मक्का उत्पादन तथा भोजन के रूप में इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि आने वाले वर्षों में मक्का आधारित उद्योग में निरंतर बढ़ोतरी होगी। भारत सरकार की उद्योग सुधार नीति तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के वृद्धि और उपभोक्ताओं के प्रति प्राथमिकताओं के बदलाव तथा ईंधन की मांग में बढ़ोतरी के कारण भोजन पशु आहार तथा अन्य औद्योगिक उपयोग मक्का को एक महत्वपूर्ण फसल बनाता है। कुक्कुट उद्योग अकेले 60 से 62% उत्पादित मक्का का उपयोग करता है। खाद उद्योग दवाई और खाद लगभग 16 से 17% स्टार्च मिलर 12 से 14% मक्का उपयोग करते हैं। शेष मक्का का उपयोग बीज धान रूप में किया जाता है। बिहार में कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले मक्का उत्पादित होते हैं। भारत में रबी मौसम में सबसे अधिक मक्का बिहार में उत्पादित किया जाता है। रबी मौसम में बिहार के गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र के में पड़ने वाले जिले में बहुतायत या मात्रा में उपजाया जाता है। इन क्षेत्रों में उत्पादित मक्का की उत्पादकता सर्वाधिक है। रबी मौसम में लगाई गई मक्का के कटाई के बाद 4-5 महीने के छोटे अवधि में बिहार तथा पश्चिम बंगाल लगभग 500 रेक जो कि देश के 50% मक्का आवंटन का हिस्सा की आपूर्ति करता है। बिहार के सभी जिले रेल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग राजकीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। बिहार में मक्का उत्पादन में किसानों तथा व्यवसायियों के योगदान में सकारात्मक सहयोग करता है। मक्का उत्पादित क्षेत्र में जमीन के पट्टे का मूल्य विगत 7 वर्षों में दुगुने से ज़्यादा हो गया है।
राज्य में मक्का उत्पादन की कई चुनौतियां भी हैं। राज्य में रबी मक्का की कटाई के उपरांत मई से जून महीने कम अवधि में बाजार में मक्का बहुतायत होने के कारण इसके बाजार मूल्य में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मौसम उतार चढ़ाव के कारण मक्का की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हम कह सकते हैं कि मौसम मक्का की गुणवत्ता के लिए एक अहम कारक है। राज्य सरकार भंडारण के आधारभूत संरचना के विकास के लिए कटिबद्ध है तथा निरंतर भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, परंतु गुलाबबाग पूर्णिया को छोड़कर केवल भंडारण के लिए भंडारण तथा भंडार आधारभूत संरचना की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। राज्य में कुल उत्पादित मक्का का मात्र 8% ही राज्य के अंदर उपयोग हो पाता है और अधिकांश उत्पादित मक्का राज्य के बाहर अन्य राज्यों में कच्चा माल के रूप में चला जाता है। बिहार में देश के कुल मुर्गी एवं अंडा उत्पादन का क्रमशः केवल 3% 1% ही होता है। राज्य ज़्यादातर इसके लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। सरकार की योजनाएँ हैं, अभी सरकार ने 2008 में पहला कृषि रोड मैप को शुरुआत हम लोगों ने किया था और हमारी प्राथमिकता किसान है। राज्य की जो बड़ी आबादी है बिहार में 76% कृषि पर आधारित जा करके, और वहाँ के लोगों का मुख्य आजीविका कृषि जा करके, प्रचुर मात्रा में हमारे पास जल है जा करके, उपजाऊ हमारी भूमि जा करके है। और सरकार गांव गरीब किसान को अपनी प्राथमिकता में रखा जा करके है। और 2005 में जब बिहार में बदलाव हुए, सरकार बनने के बाद पहली बार हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर और कृषि विभाग के पहल पर पहली बार बिहार में 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई जाकर, और पहला कृषि रोड मैप के बाद 2012 में कृषि रोड मैप हमारे आया जाकर के। हम 5 वर्षों के लिए कृषि रोड मैप बनाए थे और उसके बेहतर परिणाम आए जाकर के। और पहले कृषि रोड मैप में, दूसरे कृषि रोड मैप में हमारा उत्पादन बढ़ा जाकर, और पहली बार बिहार को 2012 में चावल के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन के लिए और 2013 में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन को लेकर के भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से बिहार को नवाजने का काम किया था जाकर। और 2017 में मक्का के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ जाकर के। हम इसका श्रेय बिहार किसानों को देते हैं कि हमारी सरकार के पहल पर जो कृषि रोड मैप जो हमारा आया, उसके जो परिणाम जो आ रहे हैं सामने जा करके, उससे किसानों में काफ़ी उत्साह जा करके। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के द्वारा तीसरा कृषि रोड मैप लाया गया जा करके 2017 से 2022 तक जा करके। 1,56,000 करोड़ की लागत से राज्य सरकार ने योजना बनाई है। सरकार के 12 विभाग जा करके हैं, उसमें सहकारिता विभाग हैं, पशु मत्स्य विभाग हैं, उद्योग विभाग हैं जाकर के, ऐसे 1 दर्जन विभाग जाकर के हैं जिनके समन्वय से हमने कृषि रोड मैप, और अभी वर्तमान में पिछले 9 तारीख को और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय बिहार आए थे, उनके हाथों से हम लोगों ने तीसरा कृषि रोड मैप का शुभारम्भ किया जाकर के है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है जाकर के, और हमारी सरकार की जो प्राथमिकता जा करके है उत्पादन कैसे हमारा बढ़े जा करके, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल है कि देश में किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी कैसे जा करके हो, तो इस दिशा में कृषि विभाग हमारा काम कर रहा जा करके। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि हम कृषि के क्षेत्र में हम वहाँ बीटी की जाँच भी कर रहे हैं जाकर के। विगत के वर्षों में हमारे किसानों ने रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा करके, जिससे हमारा मिट्टी की सेहत बिगड़ी जा करके है, मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर पड़ा जा करके है। तो हम अपने किसानों को सचेत भी कर रहे हैं जा करके, और राज्य के मिट्टी की हम जांच भी करा रहे हैं जा करके, और मिट्टी की जांच इसलिए करा रहे हैं कितना खाद का प्रयोग करना जा करके, ताकि किसानों की लागत कमे और उत्पादन हमारा बढ़े, और राज्य की जो मिट्टी हमारी है, खेतों की मिट्टी है, उनकी सेहत भी बेहतर बनी रहे, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं जाकर के। सिक्किम के बाद बिहार दूसरा राज्य है जाकर। चालू वित्तीय वर्ष में हमने 2000 एकड़ में गंगा किनारे के 9 जिलों में हमने जैविक कॉरिडोर बनाया है, और किसानों को हम इनपुट सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं,
और हमारा जोर जैविक खेती की ओर है। सिक्किम के बाद बिहार दूसरा राज्य है जाकर, जब बड़े पैमाने पर हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि मक्का के क्षेत्र में भी, अभी तो वेजिटेबल के मामले में देश में उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर हम हैं, हमारा आगे और बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि मक्का के क्षेत्र में भी एक और सब्जी को बढ़ावा दे रहे हैं हम ऑर्गेनिक सब्जी। आशा करते हैं कि अप्रैल महीने में हम देश के और बिहार के हर राज्यों में इस जैविक उत्पाद से बने सब्जियों को भेजने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार का व्यंजन देश के हर थाली में हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही जाकर के। और साथ ही साथ हम भविष्य में हम किसानों को बता रहे हैं कि बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हम खेती को करके और अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते जाकर के, और दिशा में किसानों को हम लगातार प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। मिट्टी जाँच के साथ साथ हमारा मैकेनाइजेशन पर जोड़ जाकर के, अब मानव बल कम हो गया जाकर के, हम यांत्रिकरण के माध्यम से हम बिहार किसानों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1,80,00,00,000 का हमने उनको सब्सिडाइज रेट पर हम 71 प्रकार के कृषि यंत्र भी उपलब्ध करा रहे हैं जाकर के। अगले वित्तीय वर्ष में भी उसी तरह भारत सरकार के द्वारा भी कस्टम हायरिंग के क्षेत्र में ये सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर हम मक्का के क्षेत्र में हमारी क्वालिटी और कैसे बेहतर जाकर के हो, साथ साथ हमारा उत्पादन बढ़े जाकर के, और किसानों के लिए बेहतर मार्केट मिले जाकर के, उनको सही मूल्य मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पहल है जाकर के, हमारी सरकार की पहल जाकर के है। और भंडारण का जो अभाव है, हमने तीसरा कृषि रोड मैप व्यवस्था किया है जाकर के कि आगे चलकर हम किसानों के लिए भंडारण की बेहतर व्यवस्था करेंगे जाकर के, ताकि किसानों के सामने जो चुनौतियाँ होती जाकर के हैं, और हाल के दिनों में जो बड़ी समस्या जो हमारे सामने जो आई जाकर के, उससे निपटने के लिए और बिहार में कृषि को और कैसे बेहतर तरीके से, वो राज्य सरकार की योजनाएँ जो हमारी है, भारत सरकार की योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हमने बिहार में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाकर मक्का उत्पादन को बढ़ावा किया जाएगा। राज्य के सभी हम प्रखंडों के प्रथम चरण में कहा है, 534 प्रखंड हमारे कहाँ हैं, 8,403 पंचायत है। प्रथम चरण में विभाग को आदेश दिया है कि 534 प्रखंडों में बागरी के सहयोग से, और हमारा जो वहाँ पर बामिती में जो आत्मा हमारा PD आत्मा है, उनको हमने टारगेट दिया है कि हर हालत में आप एक महीने के अंदर में 534 प्रखंडों में FPO को, FPO का मतलब है आप बनाकर और किसानों को उसे जोड़ने का काम करें। बिहार में मक्का में दाने नहीं लगने की शिकायत की जात हमारे वैज्ञानिक और हमारे अधिकारी कर रहे हैं जाकर के हैं। मुख्य रूप से दाना नहीं लगने का कारण सामान्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने की बात बजा रही है, ऐसी बात सामने चर्चा में आ रही जाकर के, कि जाँच अंतिम चरण में है, जाँच रिपोर्ट आने के बाद उस समय जो भी आएगा सरकार उस समय कार्रवाई करेगी, ताकि इस तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और हमने राज्य कृषि वैज्ञानिकों से इसके लिए आवश्यक अनुसंधान एवं कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी सरकार उपलब्ध कराएगी, और जो प्रभावित हमारे जो फसलों का नुकसान जिन जिलों में हुआ है उसका हम सर्वे भी करा रहे हैं, और किसानों को हम फसलों के जो क्षति हुआ है उसको मुआवजा भी सरकार देने का काम करेगी जाकर के। तो आज फिक्की और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो आज इतना बड़ा एक पहल है, और मेज पर मतलब जो पूरे दुनिया और देश में सब जो महत्व के संबंध में आज एक दिवसीय जो चर्चा होगी जाकर के, और मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है इसमें आकर के, आपने मुझे भी अवसर दिया है जाकर के कुछ बातों को कहने का। तो निश्चित तौर पर आपकी जो पहल है, आने वाले समय में जो मक्का उत्पादक हैं उन किसानों के लिए यह समिट मील का पत्थर साबित होगा। और साथ ही साथ एक आग्रह भी हम करना चाहेंगे आप सबों से कि हम चाहते हैं कि बिहार में काफ़ी संभावनाएं उद्योग लगाने की जाकर के, हम चाहते हैं मक्का आधारित जो हमारा
वहाँ उद्योग लगे जा करके, हम उसके लिए आपको आमंत्रित भी करना चाहते जा करके हैं कि निश्चित तौर पर मक्का प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े जो हमारे उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, बीज कंपनियाँ हैं, तब मक्का के विकास से जुड़े सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप बिहार में निवेश करें। राज्य सरकार की तरफ से आप पूरा का पूरा सहयोग दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।